दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय नॉब्स पब्लिक स्कूल घुमारवी नियर गांधी चौक। बिलासपुर के घुमारवी के सीरखड की तलहटी पर सरकार द्वारा बनाया गया अंबेडकर भवन अनदेखी का शिकार है। भवन की दुर्दशा इतनी भयावह है कि यहां पर सांस लेना भी दूभर है। जर्जर हालात में पहुंच चुका ये भवन कभी भी अप्रिय घटना को अंजाम दे सकता है। इस अंबेडकर भवन के साथ प्रशासन द्वारा फेंके गए कूड़े और गंदगी के ढेर यहां के वातावरण को दूषित कर रहे हैं। अंबेडकर भवन की हालत को सुधारने के लिए हालांकि अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक संयुक्त संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारियों ने स्थानीय विधायक से भेंट की है, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक हल की किरण नजर नहीं आई है। इस भवन के चारों ओर खिड़कियों के शीशे टूटे हुए हैं, छत से पंखे गायब हो चुके हैं, भवन के भीतर बिजली की वायरिंग टूट चुकी है। मिशन अंबेडकर पे बैक सोसाइटी बिलासपुर के चेयरमैन राजेंद्र भाटिया ने सरकार से इन भवनों के उचित रखरखाव की मांग उठाई है। देख रहे हैं, मैं अभी मेरे पीछे अंबेडकर भवन देख रहे हैं आप सभी, और इस अंबेडकर भवन की बहुत ही बुरी दुर्दशा हो रखी है, जिसका उद्घाटन 2011 में हुआ था। 2011 में इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। खैर, इंफ्रास्ट्रक्चर तो किसी और के लिए हो सकता है, हम अंबेडकरवादी लोगों के लिए तो हमारी भावना है, हमारी भावना से जुड़ा हुआ ये स्ट्रक्चर है, इसलिए हमें वेदना है, पीड़ा है और लगाव है इससे। इसकी आज की डेट में बहुत ही बुरी दुर्दशा हो चुकी है, जैसे कि पिक्चर में आप जी ने हर एक चीज़ रिकॉर्ड देखी है। इसके शीशों से लेके देखो, शीशे टूटे हुए हैं, दरवाजे इसके निकाल के कोई ले गया, पंखे निकाल लिए गए हैं, बिजली की तारें बिखरी हुई हैं, बिजली के बोर्ड पैनल हर चीज़ यहाँ से ले गए हैं। जब दरवाजे नहीं है तो उसके अंदर भी कुछ सिक्योर नहीं है, स्वाभाविक है। इसके पीछे नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे से जो रिटेन किया हुआ है इन्होंने, उसमें एक हार्ड रॉक है, और इसमें जो नेशनल हाईवे के इसके नीचे एक कलवर्ट है, कलवर्ट का पानी बिखर के पूरा भवन के ऊपर आ रहा है, बिखर रहा है पानी, क्योंकि वो हार्ड रॉक है, उसमें प्रॉपर तरीके से हाईवे से चैनलाइज नहीं हुआ है। इस वजह से भी कई ऐसी दिक्कतें हैं जो उसमें क्रिएट हुई है, भवन में बैठने लायक नहीं है, बड़ी मुश्किल से इसकी साफ सफाई करके मीटिंग के लायक इसको बनाते हैं। तो मेरा सरकार से यही दरख्वास्त है कि इसी तरह ही दूसरे जिले के दूसरे भवनों की भी हालत बड़ी खस्ता बनी हुई है, तो सबके बिहाफ पे मेरा गवर्नमेंटों से, जितने हिमाचल गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि इन भवनों की तरफ ध्यान दें और इनके जीर्णोद्धार के लिए फंड रिलीज करें। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए बिलासपुर से अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।